मंडी के मुख्यमंत्री होते हुए भी मंडी जिला के साथ भेदभाव कर रहे हैं जयराम ठाकुर। उनके मुख्यमंत्री बनते ही मंडी वासियों को उनसे बहुत उम्मीदें थी कि वे मंडी जिला को कोई तोहफा देंगे, मगर वे मंडी जिला के साथ ही भेदभाव कर रहे हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नेरचौक में मेडिकल यूनिवर्सिटी कांग्रेस सरकार की देन है। उन्होंने कहा कि जब वे स्वास्थ्य मंत्री थे तो विधानसभा में एक बिल पेश किया गया था जिसका प्रेम कुमार धूमल, जयराम ठाकुर और सुरेश भारद्वाज ने समर्थन किया था, जबकि मेडिकल यूनिवर्सिटी का तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने विधिवत उद्घाटन भी किया था। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, मगर भाजपा सरकार हर काम को अपना बताकर जनता को गुमराह कर रही है। वहीं हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के नाम पर भी राजनीति की जा रही है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि जब वे स्वास्थ्य मंत्री थे तो गुलाम नबी आजाद ने प्रदेश के लिए 3 मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की थी। इस अवसर पर मंडी जिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपक शर्मा, सुंदरनगर जिला कांग्रेस अध्यक्ष पवन ठाकुर, मिल्क फेड के पूर्व चेयरमैन चेतराम ठाकुर भी मौजूद रहे। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य था हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के भारतीय कांग्रेस की प्रभारी और हमारे सांसद श्रीमती रजनी पाटिल का 7 दिन का हिमाचल प्रदेश का दौरा 9 तारीख से शुरू होकर 15 तारीख को समाप्त हो रहा है। उस सिलसिले में 10 तारीख को मंडी जिला में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेगी। बूथ लेवल तक पार्टी को कैसे मजबूत करना है उसके बारे में टिप्स देगी और उसके अलावा 10 चुनाव क्षेत्रों के कांग्रेस पार्टी के जो है कार्यकर्ता उनको व्यक्तिगत अलग अलग भी मिलेगी। ये कार्यक्रम जो है उनका 10 तारीख को मंडी जिला का रखा गया है। दोनों जिलों के कार्यकर्ता सुंदरनगर और मंडी के जो है पासा सदन में एक बड़ी जो कांग्रेस पार्टी की जो मीटिंग है उसको संबोधित करेंगे। उसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और जो हमारी प्रभारी जनशक्ति है वो भी शामिल होंगे। सभी हमारे 10 चुनाव क्षेत्र में चुनाव खड़े हुए कैंडिडेट हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हिस्सा लेगी। दूसरा मुख्य उद्देश्य इस वार्ता का ये था कि आज मैंने बड़े बोर्ड सुंदरनगर में मंडी में देखे कि श्री जयराम जी का धन्यवाद किया कि मंडी को जो है मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी दी है, जबकि हकीकत ये है कि मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी भी वीरभद्र सिंह सरकार की देन है। मैंने बतौर स्वास्थ्य मंत्री इसको मूव किया और विधानसभा से इसका बिल अप्रूव कराया। बिल में ही जो है इसका स्थान जो है डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेर चौक में जो है इसकी स्थापना की गई और उसका वीरभद्र सिंह जी ने उसका विधिवत तौर पर उद्घाटन भी कर दिया। अब ये कहना कि ये बीजेपी ने या जयराम सरकार ने मेडिकल यूनिवर्सिटी दी है ये भी गलत है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है। शिक्षा के क्षेत्र में सारे स्कूल खाली पड़े हुए, अध्यापकों को ट्रांसफर किया जा रहा है और दूर दराज क्षेत्रों में अध्यापक नहीं आ रहे हैं। कई जगह तो स्कूलों में ताले लगने की नौबत आ गई है और हम कह रहे हैं कि हम रिटायर्ड अध्यापकों को रखेंगे। कांग्रेस पार्टी इसका भी विरोध करती है क्योंकि हमारे पास बहुत बेरोजगार जो है डीजीटीवी है, पीजीटीवी है, सरकार उनको नौकरी दे और स्कूल को विधिवत तौर पर चालू करें। 7 महीने पहले श्री नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया लेकिन उसके बाद आज तक वहां एक ईंट नहीं लगी है, एक पत्थर नहीं लगा है और कोई पैसा उसके लिए मंजूर नहीं किया है। इस तरीके से तो 10 साल में ही एम्स जो है अस्तित्व में नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एम्स का काम शुरू किया जाए।